नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 6:45 बजे नया इतिहास रचने से चूक गया है। दरअसल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को GSLV-F10 रॉकेट ने उड़ान तो भरी, लेकिन मिशन समय से 10 सेकंड पहले ही खराब हो गया। मिशन कंट्रोल सेंटर को रॉकेट के तीसरे स्टेज में लगे क्रायोजेनिक इंजन से 18.29 मिनट पर ही सिग्नल और आंकड़े मिलने बंद हो गए थे। इसके बाद मिशन कंट्रोल सेंटर में वैज्ञानिकों के चेहरों पर तनाव की लकीरें दिखने लगी और थोड़ी देर तक वैज्ञानिक आंकड़ों के मिलने और ज्यादा जानकारी का इंतजार करते रहे। फिर मिशन डायरेक्टर ने जाकर सेंटर में बैठे इसरो चीफ डॉक्टर के सिवन को जानकारी दी और बताया कि इसरो प्रमुख ने कहा कि क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खामी पता चली है, जिसकी वजह से मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। इसके बाद इसरो ने घोषणा की कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा है और तत्काल इसरो का चलाया जा रहा लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया। अगर ये मिशन कामयाब होता तो सुबह करीब 10:30 बजे से ये सैटेलाइट भारत की तस्वीरें लेना शुरू कर देता और इस लॉन्च के साथ इसरो ने पहली बार 3 काम किए थे। दरअसल बता दें, पहला सुबह 6:45 बजे सैटेलाइट लॉन्च किया, दूसरा जियो ऑर्बिट में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था, जबकि तीसरा ओजाई पेलॉन फायरिंग यानी कि बड़े उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजना था। तो बता दें, इसरो की तरफ से ये मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सफल होने से 10 सेकंड पहले ही चूक गया। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। बता दें, मॉनसून सत्र के लिए लोकसभा की बैठक बुधवार को की गई और अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में पेगादस जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के शोर शराबे की वजह से पूरे सत्र में सदन में कामकाज बाधित रहा और सिर्फ 22% ही सदन में काम हो सका है। साथ ही लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद पीएम मोदी और अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भेंट भी की। ये मुलाकात, बता दें कि अध्यक्ष ओम बिरला के कक्ष में हुई थी ये बैठक। साथ ही सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी स्पीकर बिरला से मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, YSRCP, बीजू जनता दल समेत कई विपक्षी दलों के नेता भी पहुंचे थे स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट स्थायी तौर पर निलंबित किए जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार देर रात दावा किया कि रणदीप सुरजेवाला समेत 5 वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है। पार्टी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के सचेतक और मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव के ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली कैंट से सटे इलाके में नाबालिग दलित बच्ची की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी ने न्याय की मांग करते हुए बच्ची के माता पिता के साथ अपनी तस्वीरें ट्वीट की थी। राहुल गांधी के ट्वीट के खिलाफ राष्ट्रीय बाल आयोग की शिकायत के बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी का ट्वीट हटा दिया बल्कि उनके अकाउंट पर स्थायी रोक भी लगा दी। साथ ही ट्विटर के जरिए रोजाना मोदी सरकार पर हमला करने वाले राहुल गांधी पाबंदी की वजह से 2 दिनों से ट्वीट नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें, मामले पर कांग्रेस महासचिव और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने राहुल गांधी की ट्वीट की गई तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार दलित की बेटी को न्याय देने की बजाय हमदर्दी और न्याय मांगने वाली बुलंद आवाज को दबाने का षड्यंत्र कर रही है। मोदी जी # ट्विटर को डराकर श्री राहुल गांधी का अकाउंट बंद कर भी बेटी से न्याय की आवाज नहीं दबा पाएंगे। ट्विटर को दबाया या FIR दर्ज कराए, न्याय देना ही आपको होगा। दिल्ली शिक्षा बोर्ड के साथ इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड का बुधवार को समझौता हुआ है। इस सरकार के बाद अब
बता दें विदेशों से एक्सपर्ट्स दिल्ली के टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए आएंगे, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सके। साथ ही इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दिल्ली वासियों के लिए बेहद ही खुशी की बात है कि हमारे बच्चों को अब दिल्ली में इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अब इंटरनेशनल लेवल पर शिक्षा बोर्ड है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करता है और बहुत अच्छा इसको माना जाता है। साथ ही छात्रों का सपना रहता है कि हमें भी इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से शिक्षा मिलनी चाहिए। और पूरी दुनिया के अंदर 5,500 स्कूलों के साथ ये समझौता हुआ है, जो कि बता दें करीब 160 स्कूलों के साथ काम करता है और कुछ सरकारों के साथ भी ये समझौता किया गया है, जैसे कि अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया आदि इसमें शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये खुशी की बात है कि दिल्ली शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के बीच समझौता हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी दिल्ली के अंतर्गत स्कूल आएंगे वहां पढ़ने वाले बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा दी जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमारे देश में दो तरह की शिक्षा प्रणाली है, एक अमीर बच्चों के लिए और एक दूसरी गरीब बच्चों के लिए। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट और गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन इस करार के बाद दिल्ली के गरीब बच्चों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। जिस शिक्षा के लिए बड़े बड़े अमीरों के बच्चे तरसते हैं, वैसे शिक्षा गरीबों के बच्चों को भी मिल सकेगी। राजधानी दिल्ली में अब फेसलेस सर्विस लागू की गई है। जी हाँ, इसके जरिए परिवहन विभाग की करीब 33 सेवाएं आप आपको घर बैठे मिल पाएंगे, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस भी शामिल होगा। ये स्कीम 11 अगस्त यानी कि बुधवार से ही शुरू कर दी गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इस योजना को लॉन्च किया है। बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम है। पहले लोगों को दलालों के पास जाकर इस तरह की सुविधाओं को लेना पड़ता था, लेकिन अब दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारी सरकार के आने के बाद इस फील्ड में कई अहम फैसले लिए गए हैं और जो नियम लागू हुआ है उससे दफ्तर फाइलिंग का सिस्टम भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ अपने फोन या फिर कंप्यूटर पर जाकर आप इन सुविधाओं को ले सकते हैं। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट के लिए और गाड़ी की फिटनेस चेक के कराने के लिए ही दफ्तर में आना होगा, बाकी सभी सुविधाएं ऑनलाइन ही आप सभी को मिल सकेंगी। वहीं परिवहन विभाग से इसकी शुरुआत की गई है और धीरे धीरे सभी विभागों में ये लागू कर दिया जाएगा और अब दिल्ली में लोगों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस, पक्का ड्राइविंग लाइसेंस परमिट, NOC ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और डुप्लीकेट परमिट, परमिट सरेंडर, परमिट ट्रांसफर समेत कई अन्य सुविधाएं अब घर बैठे ही मिल सकेंगी। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताया है। बता दें मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को मनगढ़ंत CS हमला मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि सत्यमेव जयते और इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्य की आज जीत का दिन है। दरअसल दिल्ली की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें तथाकथित सीएम मारपीट मामले में उन्होंने साजिश रची थी और अदालत ने ये कह दिया है कि ये सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। केस में अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये सब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ षड्यंत्र है, लेकिन अब अदालत ने भी ये साबित कर दिया है और दिल्ली की सरकार को गिराने का जो षड्यंत्र था, ये षड्यंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार के इशारे पर रचा गया था। इनके इशारे पर दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मारपीट का एक झूठा मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की गई और ये मुकदमा इतना झूठा था कि इस मामले में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय करने से भी मना कर दिया है।
देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में भले ही अब कमी आने लगी है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो चिंता अभी भी बढ़ा रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की आर वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई है, जो बेहद ही चिंता की बात है। इतना ही नहीं, देश के 37 जिलों में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 5 राज्यों में कोरोना की आर वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पंजाब और हिमाचल में आर वैल्यू 1.3 और यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात में आर वैल्यू 1.1 हो गई है। वहीं आंध्र प्रदेश, नागालैंड और गोवा में आर वैल्यू 1 है। वहीं देश में भी इस समय आर वैल्यू 1 ही है। और ऐसे में कोरोना की आर वैल्यू से पता चलता है कि एक संक्रमित व्यक्ति कितनों को संक्रमित कर सकता है। ये वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, कम रहती है, उतना अच्छा ही होता है। वहीं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का कहना है कि कुछ राज्यों में कोरोना की बढ़ती आर वैल्यू चिंता भी बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो कोरोना की आर वैल्यू 1 के आसपास है और कुछ राज्यों में ये 1 से भी ज्यादा है, जो चिंता का कारण बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही अभी कोरोना के मामले स्थिर हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि 11 राज्यों के 44 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसमें केरल और मिजोरम के 10 जिले शामिल हैं, जबकि मिजोरम में 6 और अरुणाचल प्रदेश में 5 ऐसे जिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सिर्फ एक ही नहीं, राज्य में 1,00,000 से ज्यादा एक्टिव केस इस समय सामने आ रहे हैं। जाति आधारित जनगणना पर मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है। बता दें कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव ने जाति आधारित जनगणना के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अगर 2021 जनगणना में जातियों की जनगणना नहीं होगी तो बिहार के अलावा देश के सभी पिछड़े, अति पिछड़ों के साथ दलित और अल्पसंख्यक भी जनगणना का बहिष्कार कर सकते हैं। लालू ने आगे लिखा कि जनगणना के जिन आंकड़ों से देश की बहुसंख्यक आबादी का भला नहीं हो सकता है, तो फिर जानवरों की गणना वाले आंकड़े का क्या हम अचार डालेंगे। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग अब तेज हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था। और ऐसे में अखिलेश और मायावती ने कहा था कि जनगणना में जाति आधारित आंकड़े केंद्र सरकार को जारी करने चाहिए और केंद्र में सरकार के सहयोगी अपना दल ने तो ओबीसी की अलग जनगणना की बात कही थी, जिसका मायावती ने भी समर्थन किया था। बता दें 1931 तक जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल किए गए थे और इसके बाद 1941 में जातिगत आंकड़ा एकत्रित किया गया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। अब 2021 की जनगणना जो होगी वो देश की 16वीं जनगणना होगी और ये पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। जी हां, महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थानों को दिया जाएगा। ये ऐसे वक्त पर हो रहा है जब केंद्र की मोदी सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया है। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम पर राज्य में एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये पुरस्कार केवल सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले संस्थानों को ही दिया जाएगा। हाल ही में बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। पीएम के इस फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार को खूब घेरा था। विपक्ष ने इसके पीछे की मंशा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए थे। केंद्र सरकार ने ये कदम तब उठाया जब भारतीय
पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया था। वहीं एक दिन बाद भारत की महिला हॉकी टीम ओलंपिक पदक जीतने में चूक गई थी। हालांकि महिला हॉकी टीम की देश भर में खूब तारीफ हुई थी, खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके बाद केंद्र की सरकार की घोषणा के बाद शिवसेना ने कहा था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की जगह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक बड़े पुरस्कार की घोषणा की जा सकती है। पंजाब में स्कूल खुलते ही कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल लुधियाना के दो सरकारी स्कूलों में करीब 20 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद से बता दें विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही पॉजिटिव पाए गए छात्रों को निगरानी में रखा गया है। साथ ही पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सरकार ने 2 अगस्त से बता दें सभी कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी थी। वहीं अब 20 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्थिति फिर गंभीर हो गई है, क्योंकि आए दिन लोग कोरोना के नए वेरियंट की चपेट में आ रहे हैं। इधर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को हुई तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कई फैसले लिए गए और कैबिनेट ने प्रदेश में 11 से 22 अगस्त तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया है। हालांकि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल जाएंगे और इसके अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य भी कर दिया गया है और रिपोर्ट न होने की स्थिति में कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश की अब अनुमति होगी। वहीं राज्य में अब 50% सीटिंग क्षमता के साथ बसों को चलाने का फैसला भी कर लिया गया है। ओडिशा सरकार ने राज्य में खेलों के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने को लेकर 600 से ज्यादा करोड़ रुपए की लागत से 89 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। बता दें मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें राज्य सरकार ने कहा है कि इन स्टेडियम का निर्माण अगले 18 महीनों में किया जाएगा। साथ ही महामारी और आपदा के दौरान इन स्टेडियमों को जरूरत के हिसाब से अस्पतालों में निर्मित किया जा सकेगा और ये 89 बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहराने के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके। बता दें कि ओडिशा सरकार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों की ही ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है और इसके साथ ही राज्य सरकार के प्रयासों से ही साल 2018 में हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था। साथ ही बता दें टोक्यो ओलंपिक में गई भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम से सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉल पर बात भी की थी और उन्हें उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी थी। साथ ही उन्हें भविष्य के लिए भी प्रोत्साहित किया था। उत्तराखंड की वीरांगना तिलु रौतेली के जन्म दिवस पर महिलाओं को दिए गए तिलु रौतेली पुरस्कार भी 2 महिलाओं ने पुरस्कार को वापस लौटा दिया है। हालांकि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं को पुरस्कार रखने के लिए कहा और उनकी नाराजगी दूर करने का भी आश्वासन दिया। दरअसल स्वयं सहायता समूह चलाने वाली 2 महिलाएं गीता मौर्य और श्यामा देवी का कहना है कि जिस काम के लिए राज्य सरकार ने उन्हें के पुरस्कार देकर सम्मानित किया है, वही काम आज उनसे छीना जा रहा है। बताते चले कि महिला बाल विकास विभाग की टेक होम राशन का प्रक्रिया अब तक महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए चलाई जाती थी, लेकिन कुछ ही दिन पहले विभाग ने टेक होम राशन के लिए ई निविदा जारी कर दी है, जिसमें कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। बता दें अवार्ड वापस करने सीएम के पास गई दोनों महिलाएं विकास नगर और सहजपुर में स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, जिससे उनका परिवार चलता है। महिला सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का भी प्रचार और प्रसार करती हैं। वहीं 8 अगस्त को इनको महिला बाल विकास विभाग की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह से बेहतर कार्य करने और हजारों महिलाओं को रोजगार देने के चलते तिलु रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और दोनों महिलाओं ने अवार्ड वापस कर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक और महिला उत्थान की बात सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर उनका ही रोजगार छीना जा रहा है।
सूफियों की राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका विषय पर आयोजित विषय पर बोलते हुए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसे विभाजनकारी तत्वों से दूर रहने की सलाह दी जो दारुल खिलाफा और इस्लाम खतरे में हैं, जैसे एजेंडे का समर्थन करते हैं। राज्यपाल ने संविधान में उल्लेखित धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक मूल्यों की प्रशंसा करते हुए सूफियों और खानकाही परंपरा का राष्ट्रीय एकीकरण और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में भूमिका को भी रेखांकित किया है। ये राष्ट्रीय सेमिनार मुंबई और दिल्ली की संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से दिल्ली में आयोजित किया गया था। साथ ही कई सालों बाद भारत भर के सूफी धर्म गुरु देश में बढ़ते चरमपंथ और निंदा करने के लिए एकत्रित हुए और इस बात पर अपनी सहमति जताई कि केवल सूफीवाद वो मार्ग है जो देश के सभी धर्मों को जोड़ सकता है और देश में गंगा जमनी तहजीब और साझा संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। इस सेमिनार में कट्टरपंथी तत्वों को चुनौती देने और भारत में सूफीवाद को बढ़ाने के लिए शपथ ली गई। इस सेमिनार में देश के कई हिस्सों से 16 खानकाहों के 150 सूफी संतों ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से हाजी अली दरगाह, महीम दरगाह मुंबई, जमात उल मुजाइक छोटा उदयपुर, मीरा दातार मेहसाणा गुजरात, खानकाहे अर्शफिया महराजगंज यूपी, दरगाह नियाजी जयपुर, खानकाहे वारसिया तेलंगाना, कलिया शरीफ उत्तराखंड, खानकाहे चिकित्सा झारखंड और दरगाहे मदरिया बेंगलुरु आदि ने भाग लिया। इसके अलावा इस सम्मेलन में मुस्लिम जगत के अनेक जाने माने लोगों ने भी भाग लिया है। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को लॉर्ड्स में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रेट ब्रिज में खेले गए पहले टेस्ट में स्लो ओवर रेट के लिए दोनों टीमों पर मैच फिक्स का 40% जुर्माना लगाया गया है और बता दें इसके अलावा दोनों टीमों के दो दो अंक भी काटे गए हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC के पॉइंट्स सिस्टम के तहत मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को 4-4 अंक दिए जाते हैं, लेकिन अब सजा के तौर पर दोनों टीमों को सिर्फ 2-2 अंक ही दिए जाएंगे। बता दें 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच बारिश से प्रभावित रहा था और ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। बारिश की वजह से 5वें दिन का खेल नहीं हो पाया था और टीम इंडिया को आखिरी दिन जीत के लिए 157 रन चाहिए थे और उसके 9 विकेट ही बचे थे। ऐसे में मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने दोनों टीमों पर यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि नॉटिंगम टेस्ट में दोनों ही टीमों ने तय वक्त के भीतर 2-2 ओवर कम फेंके थे और ऐसे में ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2 के मुताबिक अगर टीम तय समय में निश्चित ओवर नहीं फेंकती है तो उस पर और खिलाड़ियों पर जुर्माना लगाया जाता है और हर कम ओवर के लिए खिलाड़ियों पर मैच की फीस का 20% जुर्माना लगता है। इसके अलावा ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की प्लेइंग कंडीशन के अनुच्छेद 16 के मुताबिक टीम पर हर शॉट ओवर के लिए 1 अंक का जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे में भारत और इंग्लैंड दोनों ने अपने निर्धारित समय में 2-2 ओवर कम फेंके थे, इसी वजह से दोनों टीमों के 2-2 अंक काट लिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल सॉन्ग बचपन का प्यार की पॉपुलैरिटी को हर कोई भुनाना चाहता है। छत्तीसगढ़ के सहदेव की आवाज में वायरल ये सॉन्ग सभी को नाचने पर मजबूर कर रहा है। मशहूर रैपर बादशाह ने भी सहदेव के साथ कोलैबोरेशन में इस गाने को अपने स्टाइल में रिक्रिएट कर दिया है और अब ये गाना रिलीज हो चुका है और इंटरनेट सेंसेशन बने 10 साल के सहदेव ने बादशाह के साथ इस गाने को गाया है। बता दें बादशाह, सहदेव के अलावा रिको और आस्था गिल ने भी गाने में अपनी आवाज दी है। वहीं बादशाह का सॉन्ग बचपन का प्यार रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और गाने को रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद 4 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिल गए थे और गाने में बता दें सहदेव का कूल और डैशिंग अवतार भी देखने के लिए मिल रहा है। सहदेव गाने में किसी रॉकस्टार की तरह परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही सहदेव ने इस गाने में भी अपनी वायरल लाइंस को गाया है और गाने के बोल बादशाह ने लिखे हैं, साथ ही म्यूजिक दिया है हितेन ने। बता दें गाने की धुन काफी पैपी है जो कि आपको झूमने पर मजबूर कर देती है। गाने में सहदेव की एक क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखाई गई है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।